क्या है पुष्पा और राधे के बीच का लिंक, इस लिंक का बॉलीवुड के फ्यूचर में क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं। मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूं। जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, साथ ही हमारे चैनल पॉलीग्रेड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि जब भी हम आपके पसंदीदा स्टार्स की वीडियोज और अपडेट्स लाएं तब आप वो सबसे पहले जान पाए। हमने अपनी एक पिछली वीडियो में आप सभी को कहा था कि साउथ फिल्में अपनी बॉलीवुड रीमेक्स तो कई बार सेक्सिस्ट थीम्स के साथ एक और चीज के लिए भी जानी जाती है, और वो है अपने बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए। एक बात तो है कि म्यूजिक हमारे फिल्मों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और अगर एक फिल्म में अच्छा और एप्रोप्रिएट बैकग्राउंड म्यूजिक ना हो तो जितनी भी अच्छी एक्टिंग और जितना भी रिच कंटेंट क्यों ना हो, फिल्म बोरिंग सी लगने लग जाती है। इसलिए ओल्ड डेज की कई सारे हॉलीवुड फिल्म्स अच्छे स्टोरीज और एक्टिंग के बावजूद भी बोरिंग लगती थी, जबकि तब के समय की कुछ इंडियन फिल्म्स वही सेम घिसे पिटे स्टोरीज के साथ भी एंटरटेनिंग बन जाती हैं। मारा मास्टर, केजीएफ, बाहुबली कुछ ऐसी फिल्में हैं जो अपने बैकग्राउंड म्यूजिक की वजह से जानी गई हैं। अभी हाल ही में वाटी कमिंग की पॉपुलैरिटी तो आपने विटनेस की ही होगी। फिल्म पुष्पा के लिए म्यूजिक दे रहे हैं देवश्री प्रसाद। देवी एक बहुत जाने माने फिल्म म्यूजिक कंपोजर हैं। फिल्म पुष्पा का राधे के साथ यही समानता है कि देवी ने हाल ही में सलमान खान की फिल्म राधे के लिए सीटी मार का म्यूजिक दिया है, और हालांकि कई लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं, ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि ये गाने का म्यूजिक तेलुगु स्टार अल्लू अर्जुन की ही फिल्म डीजे के म्यूजिक से कॉपी किया गया था, जिसको देवी ने ही बनाया। अभी देवी ने ऐसा इसलिए तो नहीं किया क्योंकि ये फिल्म बात प्रचलित भी है कि हिंदी फिल्म, खास करके सलमान खान फिल्म्स हमेशा से साउथ की कॉपीज करती आई है, और इसलिए देवी ने राधे में भी अपना ही ये गाने को दोबारा इस्तेमाल किया। देवी का कहना है कि पुष्पा का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, उस फिल्म के लिए गाना और म्यूजिक बनाने का वक्त फिल्म के एक्टर के बारे में सोचते हैं और उस एक्टर के पर्सन को फिट करने वाला म्यूजिक तब जाकर बनता है। अल्लू अर्जुन को साउथ में प्यार से बनी बुलाया जाता है, जो उनका निकनेम भी है। देवी ने कहा कि बनी के लिए म्यूजिक बनाना एक ड्रीम जैसा है, और बनी की मेहनत से वो खूब प्रभावित भी हुए हैं। अभी ऐसा करते हैं, आपको पता तो चल गया कि राधे और पुष्पा के बीच का थ्रेड है देवी, यानी कि डीएसपी, मगर अभी आपके साथ एक गेम खेलते हैं। हम आपको डीएसपी के बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स के नाम नहीं बताएंगे, आपको गैस करना है डीएसपी के नेक्स्ट फिल्म के डायरेक्टर की फिल्म है जो अक्सर साउथ की रीमेक्स बनाते हैं, वेरी मच लाइक सलमान। पता नहीं क्यों डीएसपी को ये रीमेक वाले पसंद है, और इस फिल्म में एक रियल लाइफ मैरिड कपल भी नजर आएंगे। अभी आप गैस करके कमेंट्स में बताइए हमें कि कौन है वो डायरेक्टर, साथ ही वीडियो और को लाइक, स्क्रिप्ट रिटन बाय सरश्रेष्ठ दास, और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें।